लेफ्ट ओवर चावल, बचे हुए चावल अगर आपके घर पर हैं तो आज हम बच्चों की और बड़ों की बहुत ही फेवरेट डिश आपको बताएंगे विद माय लवली मॉम एंड जायका का तड़का फाउंडर. मॉम, लेफ्ट ओवर का जायका में आज हम चीजी मैक्रोनी बॉल्स बनाने जा रहे हैं, राइट? लेफ्ट ओवर राइस का. लेफ्ट ओवर राइस से हम चीजी मैक्रोनी बॉल्स आज आपको दिखाते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं. सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल जायका का तड़का को. सो स्टार्ट करें मॉम. या ये मैंने एक बॉल राइस लिया, लंच में बनाया था तो बच गया, अब स्नैक टाइम में बना रही हूँ मैं. तो इसमें मैं इसको पहले मैं ग्राइंड कर लूंगी कोर्सली इसमें डाल करके. अच्छा, तो मॉम इसमें हमें ग्राइंड जब करेंगे तो पानी डाल के करेंगे? हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी. हाँ, एक से दो टेबल स्पून पानी डालूंगी मैं. ये अब इसको मैं ग्राइंड करके लाती हूँ. सो ये देखिए, अब हम पीस के ले आए हैं. सो इसका टेक्सचर ये देखिए, इसका ये पेस्ट बना लिए इसकी. बिल्कुल स्मूथ नहीं करनी, थोड़ा सा दरदरा रखना है इसका, कोर्सली करना है. ठीक है, तो अब मैं इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ. अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ. ये मैंने एक दो मीडियम साइज के पोटैटो लिए हैं. इन बॉइल्ड है, बॉइल्ड है, बॉइल्ड पोटैटो है. तो इनको मैश करके इसमें डाल रहे हैं हम. ये मैक्रोनीज लिए हैं, मैक्रोनीज को मैंने वॉश करके और बॉइल कर लिया है. अच्छा. हाँ, तो बॉइल करके और इसमें डाल रहे हैं. तो इससे थोड़ा टेस्ट बेटर होगा, टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे और बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे इसको खाने में. ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूं मैं, दो टीस्पून, दो चम्मच हमने वहां डाली है. ये ब्रेड क्रम्स है, दो से तीन टीस्पून. ये धनिया पत्ती, ये ग्रीन चिली, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप, बच्चे खाते हैं तो डालिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं. ये जिंजर है ग्रेटेड, आधा इंची. अब इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ मैं, सॉल्ट डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट. ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं, 1/4 टीस्पून. ओरिगैनो डाल रही हूँ मैं. ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने डाल दिए हैं, चीज को छोड़कर चीज अभी डालेंगे तो इसको बैटर को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं प्रॉपरली. जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का पे, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं आप ही की जैसी किचन्स में जाके मॉम्स के द्वारा. मॉम्स के हाथों में जादू होता है, प्यार से बनाती हैं और बहुत ही झटपट रेसिपीज बनाती हैं विद इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के संग. और देखिए, आज भी बचे हुए चावल के संग हम चीजी मैक्रोनी बॉल्स बना रहे हैं. गारंटी हमारी आपके भी ऐसी ही रेसिपी बनेगी जैसी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. अच्छा, आप इसमें रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स दोनों में से जो भी आप पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं. स्पाइसी आप कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. अब मैं ये ग्रेटेड चीज, ये कोई भी चीज जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें डाल दीजिए. वो इसमें डाल रही हूँ मैं और इसको मिक्स कर देंगे. हाथ से मिक्स करेंगे तो एकदम प्रॉपरली होगा ये सारा मिक्सचर एकदम रेडी. बस ये रेडी हो गया हमारा. ये ब्रेड क्रम्स लिए मैंने, थोड़ा सा ऊपर से कोटिंग करेंगे तो अच्छे क्रंची बनेंगे ये. अब मैं थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर, या आप जिस भी साइज के बॉल बनाना चाहते हैं आप उस साइज के बना लीजिए. ये देखिए, ये अपना ये बॉल तैयार हो गया है. इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे. तो ब्रेड क्रम से क्या होता है वो? ये क्रंची बनता है. ब्रेड क्रम ऊपर लगाते हैं फिर फ्राई, डीप फ्राई करेंगे तो ये क्रंची बनेगा इससे. अच्छा. हाँ. तो ये है तरीका इसको क्रंची बनाने का. तो ये ब्रेड क्रम हम किसी में भी लगाकर कोटिंग करके जो भी हम फ्राई कर रहे हैं तो उसमें करेंगे तो क्रंची क्रिस्पी. हाँ, क्रंची और क्रिस्पी हो, दिखने में भी सुंदर लगेगा. ये देखिए, तो आप देखिए, हम वहां पे आपको तलते हुए भी दिखाएंगे. ये हमारे ये राइस बॉल तैयार हो गए हैं. अब इन्हें डीप फ्राई के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ. ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए अपना.
अब मैं ये दूसरा बॉल डाल दूंगी। लेफ्ट ओवर राइस के चीजी मैक्रोनी मोल्स की रेसिपी चल रही है, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, वी वुड लव टू नो। हाँ एक्चुअली काफ़ी अच्छा टेक्सचर भी आ रहा है ब्रेड क्रम्स का, जैसा आप बोल रहे थे बहुत अच्छा था कलर टेक्सचर, और खाने में भी क्रंची लगेंगे ये। और ये हमें स्लो फ्लेम पे ही सेक, मीडियम मीडियम फ्लेम पर, पहले अच्छा सा होट गरम कर लीजिए तेल को, धुआं निकले उसके बाद आप इसको सिंपर करके डालिए, फिर जब थोड़ा कुक होने लगे तो आप मीडियम फ्लेम कर लीजिए। तो देखिए आपके लिए मॉम बना रही है लेफ्ट ओवर का जायका में लेफ्ट ओवर राइस से आज इतना अच्छा आइटम। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा, हम इसमें आपको रोटी से लेके जो भी आइटम्स हमारे घर में बचते हैं हम उसको कैसे वेस्ट ना हो और कैसे हम एक ऐसी रेसिपी बनाएं कि सब लोग चाव से भी खाएं उसको, वो दिखाते हैं हमेशा आके। ये बॉल जो भी खाएगा उसको विश्वास नहीं होगा कि ये लेफ्ट ओवर राइस से बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट, एकदम लाइट है खाने में भी, और बच्चे बड़े इंटरेस्टेड खाएंगे इसको। मुंह में पानी आ रहा है, इनफैक्ट मैं ही नहीं बोल सकती कि ये लेफ्ट ओवर राइस के आपने चीजी मैक्रोनी बॉल्स इतने अच्छे से बना दिए हैं कि मजा आ गया है देख के। लेफ्ट ओवर का जायका में सचमुच आज जायकेदार रेसिपी हमने बनाई है। ये हमारे अब रेडी हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर, बचे हुए राइस से इतनी टेस्टी रेसिपी आप हमेशा बना सकते हैं। गर्मा गर्म वाओ, बारिश के मौसम में ये चटपटे कुरकुरे चीजी मैक्रोनी बॉल्स जरूर खाइए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को सर्व करिए, बहुत मजा आएगा। तो ये देखिए चीजी मैक्रोनी बॉल्स हमने बनाए हुए हैं बचे हुए राइस की, कोई मैदा यूज नहीं करा इसमें, सारे हेल्दी आइटम्स यूज करे हैं, बच्चों के लिए है, बचे हुए राइस का है। लेफ्ट ओवर का जायका का ये एपिसोड आपको देखने में मजा आएगा और आपके बच्चों को और फैमिली मेंबर्स को खाने में मजा आएगा, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज देखते हैं चीजी मैक्रोनी बॉल्स बचे हुए राइस से।